मिश्रा। तो किसानों को लेकर लगातार जो धोखाधड़ी हो रही है और धान केंद्रों पर जो खरीद फरोख्त हो रही है, जो धांधली किसानों के साथ हो रही है, उसको लेकर भारत समाचार लगातार अपनी मुहिम जारी रखा है। इसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट देखिए। आप दलाल हो? नहीं, दलाल हो आप? बिल्कुल। आप यहाँ क्यों बैठे हो? सरकारी केंद्र में क्यों बैठे हो आप यहाँ? एक तरफ लॉकडाउन ने किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही और दलालों की मनमानी की वजह से किसान बेहद परेशान है। भारत समाचार धान किसानों की समस्या को मुहिम की तरह दिखा रहा है और धान किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा है। धान किसानों के साथ हो रहा अन्याय, अन्याय के खिलाफ भारत समाचार की जंग। बरेली के धान खरीद केंद्र पर दलाल को पकड़ा, सवालों का जवाब नहीं दे पाए केंद्र प्रभारी। इस समय है मौजूद है जेबचेरा की सरकारी खरीद केंद्र, मैं दिखाऊंगा। देखिए सरकारी खरीद केंद्र है और यहाँ पर जो है सेंटर प्रभारी थे वो नदारद थे और यहाँ पे दलालों का आतंक था, यहाँ पे दलालों की पूरी बात थी, खरीद फरोख्त रही है। भारत समाचार ने इसका खुलासा किया है साफ तौर पर। देखिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये धान के कट्टे लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पर जो है खरीद होती है, इसके यहाँ पर खरीद होती है और इससे बिल्कुल सटी हुई जो है यहाँ पे प्राइवेट मंडी है। यहाँ का नजारा भी मैंने आपको दिखाया था, जब यहाँ हमने देखा तो यहाँ का आलम जो था लापरवाही भरा था। घाटे में भी बेचना है जैसे का सेंटर पे ले गए, बाग सेंटर पे पहले तो कोई मिलता नहीं है, खाली बैनर लगे हुए हैं, कोई बारदानो ना, कोई कुछ ना, कोई बोरी ना, कोई बट्टा ना। भारत समाचार के संवाददाता ने धान खरीद केंद्र पर दलाल को पकड़ा, दलाल ने बकायदा रेट को लेकर बात भी की जो सब कैमरे में कैद हो गया। और इसके बाद जब भारत समाचार ने दलाल से सवाल पूछे तो वो एक भी जवाब नहीं दे पाया। आप यहाँ क्यों बैठे हो? सरकारी केंद्र में क्यों बैठे हो आप यहाँ? कहाँ इंचार्ज कहाँ पे है? क्यों बैठे हो यहाँ पे आप लोग? आपको हक है बैठने का यहाँ पे? क्यों बैठे हो? कहाँ से हो आप? मार्केट। तो मार्केट वाले यहाँ क्यों आके खरीद रहे हो? तुम सारा वो खरीद रहे हो धान, बार्गेनिंग भी कर रहे हो? मैं नहीं खरीद रहा हूँ। आप मेरे से बात करी, पूरा कैमरे में रिकॉर्ड है सारा। मैं उधर खरीद रहा हूँ। आप यहाँ सेंटर पे बैठे हुए क्यों थे? मैं प्राइवेट में ही धान खरीद रहा हूँ। नहीं तो प्राइवेट हो तो फिर यहाँ सरकारी सेंटर पे क्या कर रहे हो बैठ के आप? जब केंद्र पर हंगामा शुरू हुआ तो केंद्र प्रभारी भी आ गए और सवालों का गोलमोल जवाब देने लगे। किसान आएगा जाएगा, दलाल था वो, आपने दलाल सकल में किसी की दलाल थोड़ी ना लिखी हुई है। सकल में यहाँ बैठ के बार्गेनिंग कर रहा है, यहाँ बैठ के बार्गेनिंग। किसान आएगा, किसान अब वो हम किसी को रोक थोड़ी देंगे। क्यों बैठे थे? भारत समाचार के इस खुलासे से केंद्र पर हड़कंप मच गया है। किसानों के साथ अन्याय कर रहे अधिकारी सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। ये प्राइवेट मंडी है और यहाँ पर हजारों की तादाद में ट्रॉलियां खड़ी हैं, हजारों की तादाद में जो है किसान हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं, क्योंकि उसका सरकार कहती है कि 1800 रुपए में आपको दाम मिलेगा धान का, लेकिन यहाँ पर जो है मजबूर है किसान, 1300 रुपए का दाम बेचने पे मजबूर है। हजारों की तादाद में लोग हैं यहाँ पे, किसान आए हैं अपना जो धान है वो बेच रहे हैं। भारत समाचार किसानों के साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं, दलालों की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही को लगातार डंके की चोट पर दिखा रहा है और दिखाता भी रहेगा। बरेली से अजय कश्यप की रिपोर्ट, भारत समाचार।